वास्तुशास्त्र के जिज्ञासु साथियों, प्रिय दर्शकों, पाठकों, चेतन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हंसता हुआ वास्तुशास्त्र शिल्पकला पर 100 कुंडलियां पुस्तक से चौथे भाग में हम आपको रोड के बारे में जानकारियां दे रहे थे। इसी श्रृंखला में अगर दक्षिण दिशा में रोड है तो उसके क्या परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं, वो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में हम कुछ आपको जानकारी दे रहे कुंडली काव्य के द्वारा। देखिए, काव्यानंद में आप सराबोर हो जाएंगे। दक्षिण रोड। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दक्षिण पथ की ओर तो खड़े भाई यमराज, आते जाते जो रहो लगे कभी आवाज, लगे कभी आवाज आप पसंद आ जावे, घर पल में बीमार बिफोर टाइम बुलावे, कहवाणी कविराज दुख जाए पीछा छोड़, श्रेष्ठ कुल जन्म होए ऐसा दक्षिण का रोड। दक्षिण दिशा का रोड जो है उस दिशा के अंदर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग देवता का निवास बताया गया है। तो दक्षिण दिशा के जो देवता हैं वो यमराज हैं। आप सभी जानते हैं यमराज मृत्यु के देवता हैं। तो दक्षिण पथ की ओर तो खड़े भाई यमराज, सब ये कविताएं जो है एक हम ये चाहते हैं कि हंसते मुस्कुराते हुए हम किसी चीज़ के मूल रहस्य को समझ जाएं, हमारा मकसद ऐसा है। तो वहीं से इसकी शुरुआत करी है। दक्षिण दिशा की ओर जो है यमराज खड़े हैं और आते जाते जो रहो लगे कभी आवाज़। अगर आपका मकान दक्षिण दिशा की रोड की ओर उसका ओपनिंग है, गेट उधर है, तो निश्चित रूप से आप उधर से आओगे जाओगे और बार बार आने जाने से उनकी निगाहें आप पर रहेगी और हो सकता है कभी आपको आवाज़ दे दे, लगे कभी आवाज़ आप पसंद आ जाए। यदि आपका व्यक्तित्व उनके पसंद आ जाए तो अच्छे व्यक्तित्व वालों को तो मृत्यु लोक में भी लोग नहीं छोड़ते, तो देवता कैसे, तो हो सकता है आपको स्वर्ग में आपको जल्दी बुला लें। कर पल में बीमार बिफोर टाइम बुलावे, मृत्यु के विभिन्न रास्ते होते हैं, एक जाना मकसद, जाना मूल लक्ष्य होता है, बहाने कई होते हैं, तो हो सकता है ये बहुत ही कम समय में ऐसी कोई बीमारी होए और आप ये संसार सागर छोड़ करके मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में जा सकें। बिफोर टाइम बुलावे, बिफोर टाइम भी बुला लेते हैं, और कभी कभी जिनको विभिन्न क्रियाएँ ऐसी होती है जिनके जानकार लोग जो है वो इस संसार के अंदर योगिक क्रियाओं से अधिक समय भी रह सकते हैं, तो ये तो अपना अपना ज्ञान और अनुभव है। कह वाणी कविराज दुख जाए पीछा छोड़, वाणी कविराज कहते हैं कि कुछ दुख ऐसे होते हैं, कुछ परेशानी ऐसी होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो मृत्यु के साथ ही उससे मुक्ति मिलती है। तो यदि ऐसा होता है तो कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां आपको उस वक्त आपका पीछा छोड़ सकती है, छोड़ेगी। श्रेष्ठ कुल जन्म होए ऐसा दक्षिण का रोड, फिर आपका स्वर्ग के अंदर आप अधिक समय तक रहेंगे। जब तक आपके पुण्य हैं तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो आप पुनः मृत्यु लोक के अंदर किसी श्रेष्ठ परिवार के अंदर आपका जन्म होगा, ऐसी मान्यताएं भारतीय ग्रंथों के अनुसार है। तो कुल मिलाकर के बात केवल इतनी सी है कि दक्षिण दिशा का रोड केवल ऐसा ही नहीं है कि आप उसमें मृत्यु डर से, मृत्यु भय से ग्रसित रहे, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार, कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए दक्षिण दिशा का द्वार बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। और मैं आपके सामने ये बात भी इस वक्त स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र पूरा 12 राशियों के अंदर वर्गीकृत है और हमारे जो मूल दिशाएँ हैं वो 4 दिशाएँ हैं। तो 4 दिशाएँ जो है वो 12 राशियों को कंट्रोल करती है। अब कहाँ किसके लिए कौन सी दिशा फेवरेबल है, अगर आप उस दिशा के अनुसार प्लाट लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके आर्थिक में दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से
आप प्रगति करेंगे। और यदि आपकी वो दिशा आपकी जानकारी के अभाव में या किसी वजह से आपने अनुकूल दिशा का चयन करने में आप असमर्थ रहे, तो ये तो क्या बेजान और निर्जीव चीज़ें हैं, मुंह से बोलती नहीं हैं, लेकिन ये सब कुछ भाग्य के खेल होते हैं। कभी हमें अगर हमारे भाग्य के अनुकूल, राशि के अनुकूल, जन्म नाम और स्थान के अनुकूल अगर बाई चांस हमें अच्छा रोड का प्लाट मिल जाता है, हम निश्चित रूप से अच्छी तरक्की करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस कविता के सारांश को पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।